ये गलती ना आप लोगों ने भी कभी ना कभी की होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये बातें। जैसे हम इंग्लिश में कभी भी अगर सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप इंग्लिश के सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, ध्यान से सुनना, बहुत जगह काम आएगा, स्पोकन में गलती करते हैं बच्चे। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर हम कहीं भी यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, और इसका ना एक शॉर्टकट भी होता है, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री या तो ईएसटी से खत्म होती है या मोस्ट से शुरू होती है। एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री या तो ईएसटी से खत्म होती है या मोस्ट से शुरू होती है। कैसे मैम? मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ऑनेस्ट, वाइजेस्ट, बेस्ट, क्लेवरेस्ट, पीछे ईएसटी या आगे मोस्ट। और इसका काम होता है बहुत तुम इसे किसी एक को दिखाना। जैसे आप कहते हो दोस्त तो कहिए मेरे, पर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या कहते हो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड। जब बहुत तुम इसे किसी एक को हम चुनते हैं तो उसके लिए आती है डिग्री कौन सी, सुपरलेटिव। जैसे आप में से कोई कहना चाहे यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, कहना मत, बटरिंग मत करना, एग्जांपल दिया है बस। यू आर द बेस्ट, बेस्ट कह रहे हो तो क्या, पूरे दुनिया में से आप सबसे अच्छे हो। तो यहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे जब हम कईयों में से किसी एक को अच्छा कहते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की है, ईएसटी से खत्म होती है या मोस्ट से शुरू होता है। अब मैं सिखाना क्या चाहती हूं, मैं ये सिखाना चाहती हूं इंग्लिश में जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आती है ना बच्चों, उसके बाद कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड नहीं लिखा जा सकता। अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री बैठी है तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता उसके बाद। इंस्टीड ऑफ डब्ल्यूएच वी शुड ऑलवेज यूज दैट। और ये एक ऐसा नियम है ग्रामर का जो स्पोकन में लोगों की जबान पर अभी आया ही नहीं है, जिस वजह से हम गलती करते रहते हैं। तो ग्रामर तो इंग्लिश की जड़ है, जितना गहराई से सीखा जाए सीख लेना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल से समझाती हूं। मैंने कहा ही इज द वाइजेस्ट मैन हु ऑलवेज सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स, हु ऑलवेज सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स। ये सबसे समझदार आदमी है जो सारी समस्याएं सुलझा देता है। अब हमने इंग्लिश में एक रूल पढ़ा होता है भाई, हु ना इंसानों के लिए लगता है, तो हमें फीलिंग आती है मैन के लिए ना हु एकदम सही है, जबकि वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुझे हु नहीं पसंद। मेरे सेंटेंस में तो क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो स्पोकन में और राइटिंग में बहुत सारे बच्चे करते हैं। इस वीडियो को, क्लास को बार बार सुनना और अगली बार गलती करने से बचना।